कहां से आया शिव के पास त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्र। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता हो इसके बारे में, ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव के पास डमरू कहां से आया। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में ही जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंद ताल और का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो जाता है और दूसरे सिरे में मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए भी इसे भगवान शिव ने अपने साथ रखा है या अपने साथ लेकर के वो प्रकट हुए थे। दूसरी है, वो है कि भगवान शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया। भगवान शिव के साथ आपने हमेशा देखा होगा कि नाग रहता है। इस नाग का नाम वासुकी है। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नाग लोग पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। तीसरा जो है वो है चंद्र। कहते हैं कि शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इसमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत तब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को 6 होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी। आज वो स्थान सोमनाथ के स्थान के रूप में माना जाता है या उसका नाम सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। लास्ट में है त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो 3 शूल है, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीनों शूल को महादेव ने एक साथ अपने हाथ में धारण किया और उसका नाम दिया गया त्रिशूल। यही है आज की विशेष और रोचक बातें जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। हमारे पास कई बार ये प्रश्न आ चुके थे तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा डिटेल में ही बता दूं। तो दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में कोई भी दुनिया का प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगले ही दिन या 1-2 दिन बाद मैं जैसे ही आपके कमेंट के पास पहुंचूंगा, मैं प्रतिदिन 14 से 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप जैसे कई लोगों के प्रश्नों का ही उत्तर देता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। चलिए, जय श्री राम, जय।